चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, जोधपुर स्पेशल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। एक ऐसा शिक्षक जिसने कोरोना काल में बीएलओ प्रशिक्षक के रूप में दोहरी व बेहतरीन भूमिका निभाई है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल करीब 1.5 साल से बंद है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी, लेकिन जिले में कई ऐसे जुनूनी शिक्षक है जिनके कारण पढ़ाई बंद नहीं हुई, जिनमें से एक है दिनेश रामगेट, जो कि रामा विद्यालय अन्नी नाडी मंगल नगर में पदस्थित है। इन्होंने गांव-गांव धाणी धाणी घूमकर बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखा। सरकार के द्वारा शुरू की गई स्माइल 3.0 प्रोग्राम आओ घर से सीखो, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, जीके क्विज में बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ नहीं पाए, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया है। साथ ही अभिभावकों को बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। श्री दिनेश जांगिर, जो वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी पंचायत के बीएलओ भी हैं, उन्होंने कोरोना महामारी में ग्रीष्मावकाश में भी निरंतर अपनी सेवाएं दी। चाहे वह डोर टू डोर सर्वे हो, कोविड-19 के लिए कैंप का आयोजन हो, मेडिकल किट का वितरण हो, पाक विस्थापित संबंधित सूचना हो या चुनाव संबंधित कोई कार्य हो, सभी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हाल ही में लूणी विधानसभा के विधायक श्री महेंद्र सिंह बिश्नोई, कूणी सरपंच चंद्रलाल जी खावा, श्री दिनेश शाश्वत, ब्राह्मण महासभा महामंत्री द्वारा भी इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। लूणी विधायक द्वारा भी इनको दिनेश जी जांगीर को सम्मानित किया गया था अभी, और वर्तमान सरपंच द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था, और हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था। और ये काबिले तारीफ भी कार्य कर रहे थे, इनकी तरह सभी कार्य करने लग जाए ये लोग तो शायद राजस्थान की एक अलग ही पहचान मिले। जो आज 20 किलोमीटर दूरी पे सुबह निर्धारित समय 6 बजे यहाँ पहुँचना और डोर टू डोर जाना और सबकी सेवा करना, और बच्चों के लिए भी विशेष रूप से ध्यान रखना, जो ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कर पा रहे तो उनको भी वो पढ़ाई करवाने के लिए वहाँ नियमित रूप से स्कूल जाना, अन्ना नाडी, फिर यहाँ आना न्यू मंडी, डोर टू डोर घूमना, फिर सारण नगर जाना, ऐसी साहित्य मेरे को कोई कर्मचारी कार्यकर्ता देखा जाता है। और दिनेश जी जांगिड़ के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, जो अभी वापस सरकार द्वारा जो फेरबदल किया जाए उस समय इनको वापस पुनः इधर लाने का हम सभी अनुरोध करेंगे विधायक महोदय से और सरकार से कि इनको जल्दी वापस हमारे क्षेत्र में लाएं। ऐसे ईमानदार कर्मचारियों की हमें सख्त जरूरत है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 21 के साथ।